और इससे लूज मोशन जैसी समस्याएं भी शुरू हो सकती हैं। और आपने देखा होगा बहुत से लोग जैसे बोलते हैं, हम खाना तो खाते हैं लेकिन हमारे शरीर पर नहीं लगता है। हरिओम, मैं योगाचार्य विष्णु आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल योग गुरु विष्णु में। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नाभि धरण, यानी कि नाभि खिसक जाना। तो इसके काफ़ी सारे रीज़न होते हैं। मेनली जब हम सोकर खड़े उठते हैं तो हमारी जो उठने की पोजीशन होती है वो रॉन्ग होती है, या फिर हम डायरेक्टली खड़े उठ जाते हैं, या फिर हम अपने नाभुल पर बहुत ज़्यादा प्रेशर देते हैं, तो जिसकी वजह से क्या कि हमारी जो नाभि है वो फिर सेंटर से लेफ़्ट साइड अप एंड डाउन या फिर इधर उधर मूव हो जाती है, और जिसके कारण फिर कई सारी समस्याएं शुरू हो जाती है, जैसे पेट दर्द शुरू हो जाता है, फिर कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्याएं हो जाती है, या फिर एसिडिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, गैस जो बनता है हमारे पेट में वो भी फिर बहुत अधिक मात्रा में बनने लगता है, और साथ में जो पाचन जो क्रिया है वो भी सही प्रकार से काम नहीं करती है, और इससे लूज मोशन जैसी समस्याएँ भी शुरू हो सकती हैं। और आपने देखा होगा बहुत से लोग जैसे बोलते हैं, हम खाना तो खाते हैं लेकिन हमारे शरीर पर नहीं लगता है। उसका एक कारण ये भी हो सकता है क्योंकि जब हमारी नाभि इधर उधर खिसक जाती है तो उससे फिर हमारे डाइजेशन सिस्टम को काफ़ी इम्पैक्ट करता है, और जिसके कारण फिर जो हमारे खाने से जो भी हमें मिनरल्स मिल रहे हैं हमारे शरीर तक या फिर हमारे ब्लड तक प्रॉपर तरीके से नहीं पहुँच पाते हैं, जिससे फिर उस भोजन का लाभ हमें सही मात्रा में नहीं मिल पाता है। लेकिन आज हम आपके लिए कुछ ऐसे आसनों का समूह लेकर आएँ, कुछ आपको ऐसी एक्सरसाइज बताएंगे जिनके अभ्यास से आप अपनी खिसकी हुई नाभि को फिक्स कर सकते हैं। तो अब हम जानते हैं कि कौन से हैं वो योग अभ्यास। तो सबसे पहले हम अभ्यास करेंगे नौकासना का। तो नौकासना का अभ्यास कैसे करना है, पहले दोनों पैरों को इस प्रकार से सीधा कर लें, दोनों पैरों को सीधा करके दंडासना में बैठ जाना है, फिर धीरे से दोनों नीज को बैंड कर देना इस प्रकार से, और फिंगर टिप को फ्लोर पर रख सकते हैं, फिर पाम को फ्लोर पर रख सकते हैं, फिर धीरे धीरे बैक को पीछे की तरफ लीन करना है इस प्रकार से, और पैरों को ऊपर उठाना है। सो यहाँ पर जो आपका पेट है, कोर है, पूरी टाइट रहेगी, और टोज को अंदर की तरफ रखना है इस प्रकार से और सामने देखना है। अगर पॉसिबल होता है यहाँ पर तो फिर धीरे धीरे दोनों हाथों को भी ऊपर इस प्रकार से उठा देना है, और फिर धीरे धीरे घुटनों को सीधा करने का प्रयास करना है इस प्रकार से। सो यहाँ पर आप टोस को आउट भी रख सकते हैं इस प्रकार से, और यहीं पर रुकना है 5 सेकंड के लिए। 1, 2, 3, 4 एंड 5, फिर धीरे धीरे वापिस आ जाना है, और इसी को फिर 2 से 3 बार रिपीट करना है। जैसे आपने दोनों पैरों को ऊपर उठाया, फिर 5 सेकंड तक होल्ड किया, फिर धीरे से वापिस आना है, तो इसी को फिर आपने 3 बार या फिर 4 बार तक रिपीट करना है। तो अब हम अगला अभ्यास करेंगे। तो अगले अभ्यास के लिए हमें पहले पेट के बल लेट जाना है। तो पेट के बल लेटने के लिए इस प्रकार से पहले नीज पर आ जाएं, फिर धीरे धीरे फिर हाथों की सहायता से फिर धीरे धीरे आपको पेट के बल लेट जाना है इस प्रकार से, और कुछ क्षण के लिए गर्दन को एक साइड टर्न कर देना है। सो आपके श्वासों को नॉर्मल कर देना है, और फिर धीरे धीरे सामने देखना है, चिन को रखना है फ्लोर पर इस प्रकार से, और अब धीरे धीरे बैंड करना है राइट नी को। सो राइट नी को कैच करना है राइट हैंड से इस प्रकार से, और फिर लेफ्ट हैंड से भी, फिर धीरे धीरे नी को और चिन को ऊपर उठाने का प्रयास करना है, सामने देखना है, फेस रिलैक्स रहेगा और नी को जितना हो सकता है ऊपर उठाइएगा। सो होल्ड करना है 1, 2, 3, 4 एंड 5, फिर धीरे धीरे वापस आ जाना है एंड रिलीज योर राइट लेग। इसी प्रकार से फिर अपोजिट साइड से भी रिपीट करना है। सो बैंड किया लेफ्ट नी को, कैच किया लेफ्ट एंकल को दोनों हाथों से, फिर धीरे धीरे ऊपर उठाना है इस प्रकार से जितना हो सकता है। 1, 2, 3, 4 एंड 5, फिर धीरे धीरे इस प्रकार से वापस आ जाना है और गर्दन को टर्न कर देना वन साइड। सुबह हम अगला अभ्यास करेंगे। तो इसमें क्या करना है आपको, फर्स्ट धीरे से राइट नी को इस प्रकार से बैंड कर देना है, और अब राइट नी को राइट एंकल को कैच करना है इस प्रकार से, फिर धीरे धीरे बटेक्स की तरफ पुश करना है, या फिर आप दोनों हाथों से इस प्रकार से बटेक्स पर चिपका सकते हैं, फिर आपकी नी फ्लोर पर ही रहेगी। सो रोक के रखना है कुछ 5 से 7 सेकेंड्स के लिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, फिर धीरे धीरे राइट लेग को रिलीज कर देना है, फिर धीरे से बैंड किया लेफ्ट नी को, कैच के एंकल को दोनों हाथों से, फिर धीरे धीरे बटेक्स पर चिपका देना इस प्रकार से, टोज आउट रहेगी। सो 1, 2, 3, 4 एंड 5, फिर धीरे धीरे लेफ्ट लेग को भी रिलीज कर देना है। तो इसका अभ्यास भी आप 3 से 4 बार कर सकते हैं।
ठीक है। सो इसके बाद फिर आपको पीठ के बल लेट जाना है, तो आप पीठ के बल यहीं से करवट लेके भी लेट सकते हैं। और अगर आप सिटिंग पोजीशन से जा रहे हैं, यानी कि शुकासना सिद्धासना से जा रहे हैं, तो आपको एक साइड करवट लेके ही या फिर एक साइड टर्न होके लेटना है। ठीक है, सो इस प्रकार से फिर धीरे धीरे पीठ के बल लेट जाना है। सो कमर पूरी तरह से फ्लोर पर आएगी और अब धीरे धीरे दोनों नीज को इस प्रकार से बैंड कर देना है। दोनों नीज को बैंड किया और पाम्स को रखना है ऐसे ही हिप के साइड में। फिर धीरे धीरे दोनों पैरों को ऊपर उठाना है इस प्रकार से, नीज को स्ट्रेट कर देना है और टोस बाहर की तरफ रहेंगी। सो पाम्स को हिप के साइड में रख सकते हैं इस प्रकार से अगर पेट पर ज़्यादा प्रेशर आ रहा है। फिर धीरे धीरे पैरों को नीचे लिखाना है इस प्रकार से, धीरे 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 काउंट करते हुए 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से। फिर धीरे धीरे दोनों नीज को बैंड किया इस प्रकार से और दोनों पैरों को फिर से ऊपर उठाना है, टोज आउट। और फिर धीरे धीरे 1, 2, 3, 4, 5 और फिर धीरे धीरे पैरों को रिलीज कर देना है। और अगर आप डायरेक्टली यहीं से भी उठा सकते हैं इस प्रकार से, धीरे धीरे दोनों पैरों को इस प्रकार से ऊपर उठाना है पाद उत्तानासन में, फिर धीरे धीरे वापिस आना है। सो जब 5 से 10 बार हो जाए तो उसके बाद फिर आपको इस प्रकार से पैरों को उठा के रखना है और यहीं पर रोकना है 5 सेकंड के लिए, 1, 2, 3, 4 एंड 5, फिर धीरे से वापस। सो फिर से इन्हेल। सो जब भी आप इसका अभ्यास करें सो टोस को बाहर की तरफ स्ट्रेच करना है, 1, 2, 3, 4 एंड 5, फिर धीरे धीरे वापस आ जाना है। तो अब हम इसके बाद अगला अभ्यास करेंगे। सो उसके लिए पहले आपको राइट नी को बैंड कर देना है इस प्रकार से, सो आपकी लेफ्ट नी स्ट्रेट रहेगी, ठीक है, टोज इस बार अंदर की तरफ रहेगी। अब राइट नी को बैंड करना है आपको और नी को इस प्रकार से होल्ड कर देना है, हाथों को इंटरलॉक किया और नी को होल्ड करना, फिर धीरे धीरे नी को पेट की तरफ पुल करना है और यहाँ पर आप राइट टोज को फिर आउट रखना है इस प्रकार से, यहीं पर होल्ड करना है 5 सेकेंड्स, 1, 2, 3, 4 एंड 5, फिर धीरे धीरे राइट लेग को रिलीज कर देना है। फिर सेम अपोजिट लेग से अपने लेफ्ट नी को बैंड किया, फिर धीरे धीरे पुल करना है लेकिन अपोजिट साइड इस प्रकार से, थोड़ी जो आपकी लेफ्ट नी है लेफ्ट नी को थोड़ी राइट साइड मूव करना है, अगर राइट नी है राइट नी को लेफ्ट साइड मूव करना है इस प्रकार से। फिर धीरे ये टोज आउट एंड होल्ड, 1, 2, 3, 4 एंड 5, फिर धीरे धीरे लेफ्ट लेग को भी रिलीज कर देना है। तो इसका अभ्यास भी आप 2 से 3 बार कर सकते हैं। तो इसके बाद जो अगला अभ्यास है तो उसके लिए आपको नीज को इस प्रकार से बैंड कर देना है और टोस को ओपन रखना है, जो आपके फीट है फीट के बीच में डिस्टेंस रहेगा, नी को इस प्रकार से आपस में मिला कर रखना है और हाथों को साइड में शोल्डर की सीध में या फिर हिप के साइड में ही रख सकते हैं। फिर क्या करना है आपको, धीरे धीरे दोनों नीज को इस प्रकार से ड्रॉप कर देना है वन साइड इस प्रकार से, फिर धीरे धीरे ऊपर आना है, फिर धीरे धीरे अपोजिट साइड, धीरे धीरे इनहेल करते ऊपर, फिर धीरे धीरे एक्सहेल। तो इसका अभ्यास भी आपको 5 से 10 बार करना है। जब 5 से 10 बार कंप्लीट हो जाए फिर आपको एक साइड दोनों नीज को एक साइड ड्रॉप करना है, अगर जो आपका लेफ्ट लेग है लेफ्ट लेग को रखना है राइट नी के ऊपर इस प्रकार से, और फिर धीरे धीरे अपोजिट साइड देखना है। अगर आपका राइट नी बैंड है या राइट फीट जो आपका लेफ्ट नी के ऊपर है, फिर आपको राइट साइड देखना है, अपोजिट साइड देखना है और यहीं पर रुक के रखना है। आपके दोनों जो हिप्स हैं हिप्स को पुश करना है फ्लोर की तरफ और यहीं पर रुके रहना है 5 सेकंड, 1, 2, 3, 4 एंड 5, फिर धीरे धीरे रिलीज किया और दोनों नीज को लिफ्ट करना है। सो इस बार सेम इसी पोजीशन को रिपीट करना, अपोजिट साइड से नी को ड्रॉप किया, सो इस बार राइट फीट को रखा लेफ्ट नी के ऊपर और फिर धीरे धीरे लेफ्ट साइड देखना है। सो फिर से स्टे करना है, 1, 2, 3, 4 एंड 5, फिर धीरे धीरे इसी प्रकार से फिर वापस आ जाना है। तो इसके बाद आपने दोनों पैरों को उठाए ऊपर और इस प्रकार से थोड़ी शेक कर देना है, हाथों को शेक कर देना है, फिर धीरे धीरे नीज को बैंड करते हुए कुछ क्षण के लिए इस बार इस प्रकार से पीठ के बल लेट जाना है, हाथों को रिलैक्स रखना है। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ ऐसे योगा अभ्यास जिनसे आप अपनी नाभि को फिक्स कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।